दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको गूगल पे लिस्टिंग ज़रूर करनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको सर्च कर सके और आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ सके। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि गूगल पे लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले अपने अकाउंट में साइन इन कर लेना है, फिर यहाँ पे google.com पे स्लैश मार के बिजनेस टाइप कर देना है, फिर एंटर मार देना है। तो अब यहाँ पे जो साइट खुली है, अब यहाँ पे हम मैनेज नाउ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नाम लिखना है। मेरे बिजनेस का नाम है ईरा प्रोडक्शन, मैं वो लिख देती हूँ। ईरा प्रोडक्शन लिखने के बाद ऐड योर बिजनेस टू गूगल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फिर से अपने बिजनेस का नाम भरने की ऑप्शन आई है, तो फिर से भर देते हैं। भर दिया हमने, अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब हमारी बिजनेस की कैटेगरी, हमें बिजनेस की कैटेगरी बहुत ध्यान से चुननी है कि हम अपने बिजनेस में क्या करते हैं। तो हम एडवर्टाइजमेंट है लिख के देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चुन लिया, अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अपनी लोकेशन ऐड करनी है, तो जिन्हें ऐड करनी है वो यस कर दें। मैं यस कर रही हूँ, अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब हमें अपना एड्रेस ऐड करना है, यानी लोकेशन ही ऐड करनी है, इंडिया। पंजाब का हीरे, पंजाब। अब नेक्स्ट कर दिया। एड्रेस ऐड करने के बाद नेक्स्ट कर दें। इज़ दिस योर बिजनेस, यहाँ पे पूछ रहा है वो हमें ना हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई बिजनेस दिखाएगा। तो वो ये जानने की कोशिश कर रहा है कि हमने कोई पहले से ही लिस्टिंग तो नहीं की हुई। दिस डजेंट मैच, इसे सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दें कि हमारे यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है अभी। अब आप यहाँ पे मैप में जूम करके इसे सेट भी कर सकते हैं। पहले जूम कर लेते हैं, देखिए अभी ये गलत दिखा रहा है, मैं इसे रीसेट करती हूँ। मार्क करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप अपने कस्टमर्स को किस तरह सर्व करते हैं। येस आई ऑल्सो सर्व देम आउटसाइड माई लोकेशन, अगर वो मेरी लोकेशन से बाहर है तो मैं तब भी उन्हें सर्व करता हूँ, अगर वो नहीं, अगर लोकेशन से बाहर है तो मैं नहीं करता। यहाँ पर आप अगर अपने कस्टमर को कुछ सर्व नहीं करते नो कर दें, अगर कुछ करते हैं तो येस कर दें। यहाँ मैं नो कर देती हूँ। अब यहाँ से आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहे हैं, जिससे आपके कस्टमर्स आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, भर देते हैं। अब यहाँ पे अपना कोई वेबसाइट का यूआरएल भी डाल सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें भरने के बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी सर्विसेज ऐड करने को कह रहा है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं देखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, बिजनेस कार्ड डिज़ाइन कर लेते हैं, शो मोर भी। ऐड कस्टम सर्विसेज, कोई और कस्टम सर्विसेज ऐड करनी है तो कर लो। अब यहाँ पर आप जो भी अपनी सर्विसेज ऐड करना चाहते हो उन्हें टिक कर लीजिए, और यहाँ पे कस्टम सर्विसेज की भी ऑप्शन है, वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, तो वो ऐड करते हैं।
अब अपनी डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद सेव पर क्लिक कर दें। अब आप अपने बिजनेस के लिए फोटोज़ ऐड कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल के तौर पे इन्होंने दिखाई हैं, तो हम ऐड करते हैं। आप यहाँ से अपनी फ़ोटो अपलोड कर ले अपने पीसी में से। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चुन लिया, अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ जब ऐड कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, यहाँ पर एक और पेज ओपन हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है यू कैन कंटिन्यू मेकिंग अपडेट्स, वो बता रहा है कि आप अपने इस प्रोफाइल में अपडेट्स करते रह सकते हैं, इसे बार बार एडिट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। स्टार्टेड। तो दोस्तों, हमारी जो गूगल लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप आपका बिजनेस जो है वो गूगल पे लिस्ट हो चुका है। आप अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।